धनुरी के पूर्व सरपंच मोहम्मद हफीज खान के बड़े भाई मेजर महमूद हसन खान 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हफीज खान का कहना है कि उनकी कौम ने देश के लिए कई शहादत दी हैं, लेकिन अब चुनावी फायदे के लिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। मेरे बड़े भाई मेजर अहमद खान वो युद्ध में शहीद हुए। जब ऐसी चीज छिंटा किसी हमारे पर होती तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग शहादत दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हम पे जो ये आरोप लगा दिया जाता है साहब कि ये मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। और हम जब ये राष्ट्रवाद की बात सुनते हैं इसमें इसको थोड़ा अलग एंगल जो देती है वर्तमान हालात जो अलग एंगल देते हैं उससे हमें बहुत तकलीफ होती है। वहीं कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले टीपू सुल्तान का भी कहना है कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल गलत है। मोदी की सेना या कोई उसको एक अलग तरीके का रंग दिया जाता है, फौज का जो राजनीतिकरण होता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इस चीज को सही मानते हैं ये जो कहा जाता है? नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे हिसाब से गलत है ये चीज, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। इसके बावजूद कायम खानी युवा निराश नहीं है। उनका मानना है कि ये दौर ज्यादा नहीं चलेगा और कट्टरपंथी ताकतें आखिर में अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। देखिए जैसे ये तो पॉलिटिकल गेन लेने के लिए हर कोई अपनी चीजों को अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है, लेकिन हिंदुस्तान का जब हम इतिहास देखते हैं तो ये बहुत पुराना इतिहास है, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और ये इस टाइम पे पूरी दुनिया में ऐसा दौर चल रहा है जहाँ फैनेटिक लोग जो हैं वो पावर में है इस टाइम पे। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह इस दौर में फैनेटिक लोग पावर में हैं और हम ये समझते हैं कि ये सब चीज़ें आज हैं कल नहीं होंगी, क्योंकि आपने देखा 2014 में जिस तरह का माहौल है आज मुल्क में वैसा नहीं है। कोशिश की जा रही है लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार ने सेना के लिए बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ के लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। झुंझुनू से संजय बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।